ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हर हरिहर। प्रणाम है शंकर विद्या। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। आजकल अस्थि जड़ी बूटी जो होती है उसकी भी डुप्लीकेट मार्केट में आ रही है। अगर कोई नया अगर कोई वैद्य है या अगर ऐसे कोई जानकारी मिल जाती है तो उनको पहचानना कठिन है कि दिखने वाला पौधा असली है कि नकली है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक कंबर मुड़ी का पौधा देखिए। ये कंबर मुड़ी का पौधा है जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो बिल्कुल भी फायदेकारक नहीं है। असली जो कंबर मुड़ी का जो पौधा होता है वो इतना चमकदार नहीं होता। ये डुप्लीकेट है, इसकी कॉपी है जो नए नए रिसर्च के द्वारा बनाया जाता है। अगर कोई बंदा इसका उपयोग करता है, समझ लो कहीं कट लग जाता है, घाव हो जाता है, खून बहता है, उसको अगर रोकना है तो इसकी पत्ती को हाथों पे मसल के उसका रस निकाल के उसका चौथा घाव पे लगाया जाता है तो बहता हुआ खून तुरंत रुक जाता है। लेकिन ये वाला नकली है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर कोई इसको लगा लेगा, बोलेगा कि मुझे फ़ायदा हुआ नहीं और खुद रुका नहीं है और वैद्य साहब ने गलत बताया, तो ऐसा होता है। इसलिए क्या नए नए जो संशोधन करके जो नए नए पौधे मार्केट में आ रहे हो जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की कॉपी करना गलत है, ये हानिकारक है भविष्य में, क्योंकि जो निसर्ग से जो प्राप्त होते हैं अपने आप वही सही होते, वही परिपूर्ण होते जो पूरा फायदा देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे सरकार ने भी थोड़ा इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में जो संशोधन करके आ रही है वो हानिकारक भविष्य में हो सकती है। इसको अगर सुखा के कोई अगर बेचेगा तो मुश्किल ही है। वैसे इसका सुखा के ज़्यादातर इसकी जड़ का उपयोग करते हैं, लेकिन ताज़ा अगर उपयोग करना पड़ता है तो पत्ती का उपयोग करना पड़ता है बहते हुए खून को रोकने के लिए। लेकिन ये वही पहचान सकते हैं जो वैद्य है, कोई समझ सकते हैं कि असली है कि नकली पौधा है, क्योंकि ये पौधा पूरी तरह नकली है। और चमकदार चीज़ें जो भी ज़्यादातर आती है वो सिर्फ संशोधन से, नई नई जो संशोधन होते हैं उसके द्वारा बनती है, और ज़्यादातर वो ना के बराबर उसमें तत्व होते फायदेकारक। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे, कोई भी चीज़ का उपयोग करने के पहले सोचे समझे और उसका उपयोग करें। ठीक है, जय बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।